बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज देखेंगे कि लारावेल के अंदर हम रिकॉर्ड किस तरह से इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कैसे करते हैं। छोटी सी हम बेसिक ऐप बनाएंगे जिसको यूज करते हुए हम यूजर से डेटा इनपुट लेंगे, उस डेटा को हम वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट डेटा करने के बाद हम उसको डेटाबेस में सेव करेंगे। सेव करने के बाद अगर यूजर ने उसको एडिट करना है, एडिट करेंगे, और फिर अगर डिलीट करना है रिकॉर्ड तो उसको रिपीट करें, डिलीट करेंगे। तो बेसिकली ये चार फंक्शन होते हैं, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, जो किसी भी एप्लीकेशन के अंदर मेनली यूज हो रहे होते हैं। जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे या आपको टास्क करेंगे तो ये चार बुनियादी फंक्शन ही परफॉर्म कर रहे होंगे। इस लेक्चर में हम अपने सारे पिछले लेक्चर जो हैं वो भी हमारे रिवाइज हो जाएंगे। हम छोटी सी एप्लीकेशन बना के उसको सम अप करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है। बेसिकली हम करने ये जा रहे हैं कि हम लोगों ने एक ब्लॉग बनाना है छोटा सा, जिसके अंदर हम एक ब्लॉग का टेबल बना लेते हैं। यूजर के साथ हम क्या करेंगे, यूजर को एक फॉर्म शो कराएंगे, उसके अंदर हम यूजर से इनपुट ले लेंगे कि आप अपने ब्लॉग का टाइटल एंटर करें, आप अपने ब्लॉग का कंटेंट एंटर करें, फिर हम उसको सेव करा लेंगे, साथ उसका ईमेल भी ले लेते हैं। तो हम उसे तीन फील्ड लेंगे, उसका टाइटल, ब्लॉग का टाइटल, ब्लॉग का कॉन्टेंट जो भी उसने लिखा है, और तीसरा उसकी ईमेल लेके हम ब्लॉग को सेव करा लेंगे। ठीक है, तो अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहले क्योंकि हमने ब्लॉग को सेव कराना है, हमें एक मॉडल बनाना पड़ेगा, हमें डेटाबेस में टेबल भी बनाना पड़ेगा, उसका नाम ब्लॉग रख लेते हैं। तो टेबल बनाने के लिए हम लोग जाएंगे अपने एप्लीकेशन की रूट डायरेक्टरी में, उसके लिए हम WAMP64 पार्टीशन यूज करते हुए हम कमांड चलाएंगे, और कमांड चला के हम अपना टेबल और माइग्रेशन क्रिएट करेंगे, फिर उन माइग्रेशन को हम रन करेंगे। अभी जो मैं ऐप यूज कर रहा हूँ वो है स्टार्ट से जो हम यूज कर रहे हैं उसी को हम यूज कर लेते हैं। और अब यागी इसके अंदर आप ये मेक श्योर कर लें कि आपका जो इन्वायरमेंट फाइल है ये रूट पे ENV फाइल पड़ी हो, तो इसको इन्वायरमेंट फाइल कहते हैं। इसके अंदर आपके डेटाबेस का कनेक्शन होता है कि मैं लोकल होस्ट यूज कर रहा हूँ, पोर्ट ये यूज कर रहा हूँ, मेरी डेटाबेस जो इस टाइम यूज हो रही है वो रूट, सॉरी वर्ड डेटाबेस है, उसका नाम है, और रूट यूजर नेम है, डिफॉल्ट पासवर्ड कुछ भी नहीं होता, उसको हम खाली छोड़ देते हैं। तो आपने अपने डेटाबेस की सेटिंग चेक कर लेनी है। अगर आपकी डेटाबेस की सेटिंग सही नहीं होगी तो आप जब यहाँ पे कोई भी कमांड चलाएंगे आपको एरर आएगा। तो अभी मैं ये करने जा रहा हूँ कि मैं सबसे पहले तो एक मॉडल क्रिएट कर लूंगा, और उसी के साथ उस मॉडल की माइग्रेशन क्रिएट करूंगा ताकि डेटाबेस के अंदर एक ब्लॉक के नाम से टेबल क्रिएट हो जाए। तो मैं एक ही कमांड से दोनों कर सकता हूँ, अलग अलग कमांड से भी पहले मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, फिर माइग्रेशन क्रिएट करेंगे, हम एक ही कमांड से दोनों भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम एक ही कमांड से दोनों क्रिएट कर लेते हैं, PHP आर्टिशन मेक मॉडल, मॉडल बना दो, किस नाम का बनाओ, मॉडल ब्लॉक के नाम का मॉडल बना दो, और इसकी माइग्रेशन भी क्रिएट कर दो, -m स्टैंड्स फॉर क्रिएट माइग्रेशन, इसको हम एंटर करते हैं। तो ये रन हो रहा है और कि हमारी माइग्रेशन क्रिएट कर देगा। उसने कहा जी मैंने सक्सेसफुली क्रिएट कर दी, मॉडल क्रिएट हो गया है, लेकिन हमारी जो माइग्रेशन ब्लॉक है उसके अंदर एरर आया है, उसको चेक कर लेते हैं। हम लोग अपनी माइग्रेशन रिफ्रेश कर लेते हैं, कमांड चलाएंगे PHP पार्टीशन MIGRET माइग्रेट रिफ्रेश। तो इसने हमारी माइग्रेशंस जो हैं चला दी, लेकिन इसके अंदर ब्लॉक की माइग्रेशन मुझे नज़र नहीं आई, ब्लॉक की माइग्रेशन भी इसको चलानी चाहिए थी। तो उसके लिए हम लोग चेक कर लेते हैं क्या इसने बनाई है कि नहीं बनाई। माइग्रेशन डेटाबेस में जाएंगे, माइग्रेशन में चेक करेंगे, इसने क्रिएट नहीं की है तो इसको चेक कर लेते हैं। हम अपने लोकल होस्ट में जाते हैं, यहाँ से PHP माई एडमिन में जाएंगे, वर्ल्ड में जाएंगे, ये हमारी डेटाबेस है जो करंटली यूज हो रही है। तो इसने अभी तक हमारी वो क्लास नहीं बनाई है, हमारा टेबल नहीं क्रिएट हुआ, इसको हम चेक करते हैं इसने क्यों नहीं। हम कमांड चलाएंगे इसके लिए, फिर आपको एरर आता है तो आप कमांड रन करें, कंपोजर डंप ऑटोलोड। अच्छा ये क्या करेगा, ये हमारे जो फाइल्स हैं जो यूज़ नहीं हो रही, कैश वगैरह, ये क्लियर कर देगा, इससे ये हमारा जो है वो रिमूव हो जाएगा। बेसिकली ये फाइल पड़ी नहीं हुई थी तो फिर भी वो एरर दे रहा है कि उसने क्रिएट नहीं की। अब ये मॉडल, इसके बाद हम अपनी कमांड चलाएंगे मॉडल क्रिएट करने की, और
माइग्रेशन क्रिएट करने के भी रन हो रहा है और ये एनालाइज करेगा, डंपिंग फाइल सारी डिलीट कर देगा। तब तक हम ऐसा कर लेते हैं, हम जब ये हमारा मॉडल क्रिएट हो जाएगा उसके बाद हम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। हम अपनी मॉडल क्रिएट करने के बाद हम माइग्रेशन जो अपनी रन करेंगे ताकि डेटाबेस के अंदर हमारे वो जो टेबल और कॉलम है वो क्रिएट हो जाए। उसके बाद हम अपना कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। जब कंट्रोलर जो है वो कॉल होता है, जब एक यूज़र रिक्वेस्ट करता है तो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट है वो राउटिंग टेबल में आती है, तो हमें राउट डिफाइन करना पड़ेगा। हम तब तक राउट डिफाइन कर लेते हैं, वेब डॉट पी एच पी में आएंगे राउट्स में, यहाँ पे हम अपना राउट डिफाइन कर लेते हैं। अगर यूज़र ब्राउजर में आके लिखेगा ब्लॉग, तो बेसिकली यूज़र ने चार चीज़ें लिखी हैं, ब्लॉग स्लैश क्रिएट, ब्लॉग स्लैश अपडेट, ब्लॉग स्लैश लिस्ट आ जाएगी ब्लॉग की, और ब्लॉग स्लैश डिलीट। तो उसके लिए हम बजाय इसके कि हम एक एक राउट लिखें, हम रिसोर्स राउट यूज़ कर लेते हैं। रिसोर्स राउट को यूज़ करते हुए हम लोग ऑटोमेटिकली हमारे सारे जो डिफ़ॉल्ट एक्शन मेथड्स हैं उनके राउट जो है वो में इम्प्लीमेंट होते हैं, हम रिसोर्स राउट लिख लेते हैं। तो अगर यूज़र आके ब्लॉग टाइप करेगा तो हमारा ब्लॉग का कंट्रोलर कॉल होगा। जैसे हमने कार के लिए बनाया था, इसी तरह हम ब्लॉग के लिए बना लेते हैं कि हमने एक रिसोर्स राउट डिफाइन कर लिया। सबसे पहले रिक्वेस्ट राउटिंग टेबल में आएगी। अब राउटिंग टेबल देखेगा कि उसको ब्लॉग कंट्रोलर के अंदर कौन से एक्शन मेथड पे भेजना है। अगर वो क्रिएट की रिक्वेस्ट होगी तो क्रिएट भेज देगा, अगर वो स्टोर की रिक्वेस्ट होगी स्टोर पे भेज देगा, डिलीट की रिक्वेस्ट होगी तो डिलीट पे भेज देगा। अभी हम इसका कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, हमने राउट डिफाइन कर लिया। तो हमारी जो डंप है वो अभी तक चल रही है, जैसे ही कंप्लीट होती है तो हम अपनी माइग्रेशन जो है वो रन करेंगे। ये कंप्लीट हो गई है, नहीं अभी नहीं हुई है, जैसे ही कंप्लीट होगी तो ये हमारी रन हो गई है। अब हम इसमें कमांड जो है वो पी एच पी आर्टिशन मेक मॉडल लॉग और माइनस एम मतलब माइग्रेशन भी क्रिएट कर दो, ये रन करते हैं। तो इसने मॉडल भी क्रिएट कर दिया और हमारी माइग्रेशन भी क्रिएट कर दी। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं क्या इसने क्रिएट कर दिया, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। और रिफ्रेश करने के बाद हम लोग आएंगे अपने ऐप के अंदर, ऐप के अंदर हमारे पास लॉग का मॉडल क्रिएट हो गया है और इसके अलावा माइग्रेशन जो वो डेटाबेस के अंदर होती है, तो हमारी माइग्रेशन जो है वो क्रिएट हो गई है क्या जी, ये माइग्रेशन भी क्रिएट हो गई है। रिफ्रेश करने पे माइग्रेशन आ गई। तो अब हमने क्या करना है कि इस माइग्रेशन के अंदर हम अपने कस्टम कॉलम ऐड कर लेते हैं, फिर इस माइग्रेशन को रन करेंगे ताकि डेटाबेस के अंदर हमारे कॉलम क्रिएट हो जाएं। तो मैं दो कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ, तीन कर लेता हूँ। सबसे पहले हम ले लेते हैं टाइटल और ये स्ट्रिंग है, उसके बाद मैं ले लेता हूँ अपना डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ये भी स्ट्रिंग है, या इसको मैं कॉन्टेंट कह देता हूँ, कॉन्टेंट होगा ब्लॉग का। और तीसरा मैं उससे ई मेल ले लेता हूँ और ये भी हमारी स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू आएगी इसमें। तो ये तीन कॉलम मैंने इसमें ले लिए, स्ट्रिंग 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 और टाइटल कंटेंट और ईमेल। अब हम ये करेंगे, हमने ये माइग्रेशन क्रिएट कर ली, अब हम इस माइग्रेशन को कहेंगे कि डेटाबेस के अंदर इसी तरह का टेबल बना दे। अभी तक हमारा डेटाबेस में ब्लॉग का टेबल नहीं बना, हमने एक मॉडल क्रिएट कर लिया, मॉडल जो है उसके बाद हमने माइग्रेशन क्रिएट की। माइग्रेशन इसलिए क्रिएट की कि माइग्रेशन से हमारे जो डेटाबेस के अंदर टेबल हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं। अब इस माइग्रेशन को रन करते हैं, उसकी जो कमांड है वो कमांड है, अच्छा इसकी कमांड जो है वो है पी एच पी पार्टीशन माइग्रेट। हम इसको रन करते हैं तो इसने ये हमारी माइग्रेशन चला दी। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया डेटाबेस के अंदर। इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये ब्लॉग के नाम का टेबल क्रिएट हो गया और इसके अंदर कौन कौन से कॉलम है, आईडी का कॉलम है, टाइटल का कॉलम है, कंटेंट का, ईमेल का, ये इसने कॉलम्स इसके अंदर क्रिएट कर दिए और टाइम स्टैम्प के कॉलम जो हैं क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड भी इसने क्रिएट कर दिए। नेक्स्ट जो है हमने हमारी अब कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, हमारे पास डेटाबेस के अंदर टेबल बन गया, हमारे पास मॉडल बन गया। अब हमने इस डेटाबेस के टेबल के अंदर रिकॉर्ड जो है वो डंप करना है यूज़र से इनपुट लेके। तो उसके लिए पहले तो हम कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए हम फिर कंपोजर के अंदर आके अपनी कमांड चलाएंगे, पी एच पी आर्टिशन मेक कंट्रोलर, सी एन टी आर ओ डबल आर कंट्रोलर। कंट्रोलर को हम नाम देंगे, कोई भी हम ब्लॉग का कंट्रोलर कह देते हैं, ब्लॉग सी एन टी आर ओ, इसके साथ अपने कंट्रोलर जरूर लिखना है, जो भी नाम दे रहे हो आप ब्लॉग टेस्ट व्हाटएवर, उसके साथ आपने कंट्रोलर का कीवर्ड जरूर ऐड करना है। इसको हम कहते हैं जिस तरह माइग्रेशन के लिए हमने एम यूज़ किया था, इसके साथ
माइनस आर यूज करते हैं कि इसके रिसोर्सेज भी बना दो, जैसे इसके डिफॉल्ट एक्शन मेथड्स हैं वो भी क्रिएट कर दो। तो इसको मैं एंटर करता हूँ, तो इसने हमारा कंट्रोलर क्रिएट कर दिया। वापस आते हैं हम लोग अपने कंट्रोलर को वेरीफाई करते हैं, कंट्रोलर हमारा क्रिएट हो गया है। कंट्रोलर हमारा ऐप के अंदर HTTP के अंदर फोल्डर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, कंट्रोलर क्रिएट हो गया है। कि हमारा ब्लॉक का कंट्रोलर क्रिएट हो गया, ठीक है। उसने डिफॉल्ट जो है मेथड्स भी क्रिएट कर दिए। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ब्लॉक इंटर करेंगे, फिर उसको शो करेंगे। तो सबसे पहले यूजर से इनपुट ले लेते हैं ब्लॉक इंटर करने के लिए। उसके लिए हम लोग व्यू क्रिएट करते हैं। तो व्यू कैसे क्रिएट करेंगे, हम लोग अपने व्यूज में जाएंगे। हम अब एक मैं एप्लीकेशन बना लेता हूँ, मतलब आप जब रियल लाइफ में भी एप्लीकेशन बनाएंगे आप इसी तरह से करेंगे कि आप सबसे पहले एक लेआउट पेज बना लेंगे, मास्टर पेज बना लेंगे, बाकी सारे पेज जो है उसके चाइल्ड पेज होंगे। तो आप इसका सबसे पहले एक नई फाइल क्रिएट कर लें और उसको नाम दे दें मास्टर, master master.blade.php, ठीक है। master.blade.php बना लिया। अब इसके अंदर हम ये करते हैं, इसका कंटेंट मैं कॉपी कर रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इजीनेस हम लोग, ताकि जल्दी से इसे क्रिएट कर सकें। इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं लोकलाइजेशन यूज़ नहीं कर रहा। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो चीज़ें हमें चाहिए हम लोग जस्ट वो लिखते हैं। मैं इसमें बूटस्ट्रैप इंक्लूड करूँगा ताकि हमारी एप्लीकेशन एक लेआउट उसका अच्छा नज़र आए, स्टाइलिंग हुई नज़र आए, बजाय इसके कि आपको एक रफ सी चीज़ नज़र आए। आपने भी बूटस्ट्रैप ही इंक्लूड करनी है, बूटस्ट्रैप इंक्लूड कर लेनी है कोई भी आप प्रोजेक्ट करें और आपको टास्क मिले। इसमें से हम लोग ये रिमूव कर देते हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि इसमें बूटस्ट्रैप इंक्लूड कर लेता हूँ। बूटस्ट्रैप इंक्लूड करने के लिए हम लोग गूगल पे जाएंगे, हमने पहले भी इंक्लूड किया था, उसका CDN इंक्लूड कर लेंगे जस्ट, और दैट्स इट, हमारा काम चल जाएगा। हम लिखते हैं बूटस्ट्रैप CDN। तो मैंने CDN इंटर किया, नाउ आई हैव बूटस्ट्रैप CDN। इसको खोल लेते हैं, इसके अंदर से हम बूटस्ट्रैप का ये CDN कॉपी करेंगे जस्ट, और इसको वहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी बैक टू आवर एडिटर एंड आई विल पेस्ट इट ओवर हियर कंट्रोल वी। तो ये हमारी बूटस्ट्रैप ऐड हो गई। अब ये एक मास्टर पेज है, हम बेसिकली मास्टर पेज बना रहे हैं, हमारे जितने भी पेजेस होंगे इसके अंदर चाइल्ड पेज के तौर पे खुलेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ जितना भी मेरी चीज़ें हैं वो कंटेनर के अंदर हैं। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है ताकि हमारी जो ऐप बने वो रिस्पॉन्सिव हो। ये मैंने कंट्रोलर की क्लास चूज़ कर ली और बाकी जितना भी कंटेंट है वो इस कंटेनर की क्लास के अंदर ओपन हो। यहाँ पे मैं एक सेक्शन बना लेता हूँ कि जो भी इसका चाइल्ड पेज होगा वो उसके अंदर ये सेक्शन ज़रूर होगा, कंटेंट का सेक्शन। नहीं होगा तो वो चाइल्ड पेज ही नहीं होगा, ठीक है। अब इधर हम लोगों ने क्या करना था, बेसिकली हमने एक मास्टर पेज बना लिया। अब हम यूज़र से क्रिएट जो हमने ब्लॉक क्रिएट करना है, जो उससे इनपुट लेनी है, उसका व्यू बनाते हैं कि यूज़र कैसे इनपुट करेगा। फिर हम उसे कंट्रोलर में रिसीव करेंगे, वैलिडेट करेंगे और डेटाबेस में सेव करेंगे मॉडल को यूज़ करते हुए। तो हम लोग एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं, सॉरी, हम लोग एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, उसका नाम रखते हैं ब्लॉग, और इसके अंदर हम एक नया व्यू क्रिएट करते हैं, उसका नाम हम रखते हैं क्रिएट .blade.php। तो इसके अंदर हम लिखेंगे अपना क्रिएट फॉर्म का सारा। आप क्या करें, आप यहाँ पे आएँ और इसके अंदर आप लिखें बूटस्ट्रैप फॉर्म। आपको नेट से फॉर्म जो है वो उसका कोड मिल जाएगा, बजाय इसके कि हम लोग सारा फॉर्म का कोड करें। बूटस्ट्रैप का यही फ़ायदा है कि इसके अंदर हमें क्लासेस जो हैं वो मिल जाती हैं, स्टाइलिंग मिल जाती है, हम जस्ट उनको यूज़ करना है और हमें रिस्पॉन्सिवनेस भी नहीं देखनी होती। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर इसको अपने मुताबिक अमेंडमेंट इसमें कर लेते हैं। हमारे पास एक नीट एंड क्लीन वेल फॉर्मेटेड फॉर्म जो है वो क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये चाइल्ड पेज है। ये इसको कैसे पता चलेगा कि ये चाइल्ड पेज है, इसको हम बताते हैं कि ये जो पेज है ये एक्सटेंड कर रहा है इस मास्टर्स को, मास्टर को फर्दर एक्सटेंड कर रहा है, मतलब इसका जो पेरेंट है वो मास्टर्स है, और इसके अंदर जो सेक्शन है वो ये सेक्शन कंटेंट का है वो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इम्प्लीमेंट इसको कर रहा है, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ पे इसको ख़त्म कर देते हैं एट द रेट ऑफ स्टॉप।
ठीक है, तो ये हमने इसके बता दिया कि ये मास्टर पेज का चाइल्ड पेज है, मास्टर पेज को एक्सटेंड कर रहा है, और ये इसका कंटेंट सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये उसका पार्ट है। इसका जितना भी कंटेंट सेक्शन में हम कोड लिखेंगे वो हमारे मास्टर पेज के जहाँ पे हमने यील्ड कोड ने लिखा था वहाँ पॉपुलेट हो जाएगा। अब हम इसको अपने वे में चेंज कर लेते हैं। हमारा जो पहला है वो फील्ड है वो टाइटल है, तो उसका लेबल ईमेल एड्रेस की बजाय हम टाइटल कर लेते हैं कि हमारा पहली फील्ड टाइटल है। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं डिफॉल्ट, तो इनको ही हम यूज़ करेंगे। दूसरा हमारा है टाइप, हम ले लेते हैं टेक्स्ट, टाइप हमारी टेक्स्ट है, आईडी हमारे पास इसकी ईमेल ही हो जाएगी, नेम भी इसका ईमेल है, नेम इज इक्वल टू ईमेल, सॉरी टाइटल ले रहा हूँ अभी मैं, तो इसको टाइटल कर लेते हैं। पहले हम टाइटल इनपुट लेंगे, टाइटल आ गया। अब आई डोंट नीड दिस, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। हमने लेबल ले लिया, ईमेल का लेबल आ गया। दूसरा हम लोगों ने इनपुट टेक्स्ट बॉक्स ले लिया जिसमें यूज़र इनपुट करेगा। थर्ड हम लेंगे डिस्क्रिप्शन, कंटेंट ले लेते हैं, कंटेंट इसको मैं कंटेंट कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने यूजर से कंटेंट लेना है, तो हम इसको बना लेते हैं टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया बना लेते हैं, इसके अंदर रोज कर देते हैं कि हमें 5 रोज दिखा दो, ठीक है। और इसका नेम रख देते हैं हम लोग, कंटेंट नाम रख देते हैं इसका। हमारे जो नेम है वो हमारे मॉडल के नेम से, या डेटाबेस के जो अंदर मॉडल के नेम से और डेटाबेस के अंदर जो हमारी फील्ड है उनके नेम से मैच हो रहे होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाएंगे, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट देयर कन्वर्जन, ठीक है। टेक्स्ट एरिया, तो ये हमारा आ गया। इसी तरह से हम इसमें कॉलम भी बता देंगे, कॉलम्स जो हैं वो 40 कॉलम्स। नेक्स्ट जो हमारे पास फील्ड है, हमने कंटेंट 17, कंटेंट नेम कंटेंट। नेक्स्ट हमारे पास ईमेल है, हम इसे टाइप देंगे ईमेल, और क्लास ज़्यादा ये क्लास नहीं आएगी यहाँ पे, इसके लिए हम फॉर्म कंट्रोल ही यूज़ करेंगे, फॉर्म कंट्रोल। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसका हम नेम भी सेम नेम देंगे, इसको हम रखेंगे ईमेल, ईमेल नाम रख दिया इसका, चेकबॉक्स नहीं आना हमारे पास, ऊपर से हमने ये खत्म कर देना है फॉर्म चेक। ये बूटस्ट्रैप है, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बूटस्ट्रैप जस्ट फॉर द फ्रंट एंड सीएसएस की एक फ्रेमवर्क है जो के स्टाइलिंग के लिए यूज होता है। अच्छा, इसको हम नाम दे देते हैं ईमेल, हमारा जो लेबल है, लेबल हमारा कंटेंट आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा। अच्छा, इसमें हमने ये किया, हमने फॉर्म क्रिएट कर लिया ताकि इसका जो लेआउट है वो हमें वेल फॉर्मेटेड नज़र आए। अब यूज़र जो है वो 3 फील्ड इंटर करेगा इसके अंदर, हम इसका चेक कर लेते हैं कि इसका किस तरह का फ्रंट एंड कैसा बना है, नज़र कैसे आएगा। अब यूज़र डायरेक्ट व्यू को तो कॉल कर नहीं सकता, तो जब यूज़र ब्राउज़र के अंदर आके हिट करेगा, ब्लॉग्स लिखेगा, तो उसे ब्लॉग का इंडेक्स कॉल होगा, और हमने पहले यूज़र से इनपुट लेना है, क्रिएट कराना है, तो क्रिएट के लिए ब्लॉग क्रिएट कॉल होगा। अब यहाँ पे हम ये वाला व्यू रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न व्यू, विच व्यू रिटर्न कर दो, ब्लॉग के अंदर जो हमारा क्रिएट का व्यू है वो रिटर्न कर दो। तो जब यूज़र ब्राउज़र में लिखेगा ब्लॉग क्रिएट, ब्लॉग स्लैश क्रिएट, तो ब्लॉग का कंट्रोलर कॉल होगा और क्रिएट का एक्शन कॉल होगा, और ये एक्शन जो है रिटर्न कर देगा यूज़र को वापस ये ब्लॉग का क्रिएट व्यू जो भी हमने क्रिएट किया है ये रिटर्न कर देगा ये वाला, तो इसको हम यूज़ करेंगे। हम देखते हैं हमारा क्या लेआउट क्या बना है, चेक कर लेते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोग लिखते हैं अपनी एप्लीकेशन का पाथ लिखेंगे, ब्लॉग क्रिएट इंटर करेंगे, तो ये हमारे पास लेआउट बन गया है। अभी इसके अंदर टेक्स्ट एरिया ठीक नहीं आ रहा, टेक्स्ट एरिया को जो है हम सही कर लेते हैं, इसलिए सही नहीं आ रहा कि हमने इसके ऊपर क्लास नहीं लगाई, बूटस्ट्रैप की क्लास है हमारे पास,
कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये हमारे पास तीन फील्ड आ गई, यूजर टाइटल ऐड करेगा, कंटेंट ऐड करेगा और ईमेल ऐड करेगा, तो हमारे पास रिटर्न नज़र आ जाएगा। उसके बाद सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेगा, इसको हम हेडिंग भी दे देते हैं ताकि कुछ हमें पता चले कि हम कर क्या रहे हैं, पेज किस चीज़ का है। इसको कह देता हूँ ऐड ब्लॉग का पेज है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब होगा ये कि हमने इसका जो नाम रखे हैं, जो नेम है, ये हमने सेम रखे हैं जो कि हमने अपने मॉडल के नेम मॉडल में रखे हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो फील्ड है वो मैच हो सके। अब जब यूज़र यहाँ पे सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो ये फॉर्म वापस पोस्ट होगा हमारे कहाँ पे, स्टोर के एक्शन पे, ताकि हम उसको डेटाबेस में सेव कर सकें। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ आते हैं, हम यहाँ लिखते हैं एक्शन, कहाँ पे जब ये यूज़र सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा तो ये डाटा कहाँ पोस्ट होगा, हम यहाँ पे बता देते हैं उसको कि ऐसा करो, राउट के अंदर, कौन से राउट पे जाओ, ब्लॉग के अंदर स्टोर के राउट पे हमारा डाटा सारा पोस्ट कर दो। स्टोर के ऊपर हम उस डाटा रिसीव करेंगे, उससे वैलिडेट करेंगे, और जो हमारा मेथड होगा वो होगा हमारा पोस्ट। ये सारा डाटा पोस्ट कर दो ब्लॉग के स्टोर के एक्शन के ऊपर, वहाँ हम इसको रिसीव करेंगे, वहाँ हम इसको वैलिडेट करते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ ये डाटा हमारे पास रिक्वेस्ट के अंदर रिसीव हो जाएगा। जो नाम हमने यहाँ पे रखे हैं सेम नाम्स के साथ, सेम नेम प्रॉपर्टी के साथ, हमारे पास वहाँ पे एक्सेसिबल होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको वैलिडेट करना चाहता हूँ, वैलिडेट करने के लिए हम इस तरह करेंगे कि डॉलर दिस रिक्वेस्ट जो है इसके अंदर हम इसको कहेंगे कि तुम वैलिडेट कर दो, किसको वैलिडेट कर दो, मेरी रिक्वेस्ट की वैलिडेट करो, कैसे वैलिडेट करो, उसके अंदर चेक करो कि हमारे पास सबसे पहले टाइटल है, टाइटल जो है वो मेरे पास, मैं उसे बताता हूँ कि वो रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो चेक करेगा टाइटल इंटर हुआ है। दूसरी फील्ड है मेरे पास कंटेंट, उसको भी मैं कहता हूँ कि यार चेक करो उसको भी कि वो भी इंटर हुआ है, वो भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो फील्ड है वो है ईमेल, वो भी मैं कहता हूँ कि उसको भी चेक करो क्या वो इंटर हुई है, एक तो वो रिक्वायर्ड है, दूसरी वो ईमेल होनी चाहिए, वैलिड ईमेल होनी चाहिए, ठीक है, उसका फॉर्मेट जो है वो ईमेल वाला होना चाहिए, तो ये भी हमने इंटर कर दिया। तो इस तरह से ये हमारी रिक्वेस्ट को वैलिडेट करेगा। तो अब जब हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी तो अगर तो उसके अंदर टाइटल इंटर नहीं है तो एरर रिटर्न कर देगा, कंटेंट के अंदर अगर उसने एंटर नहीं किया तो रिटर्न कर देगा, ईमेल भी इसी तरह रिटर्न कर देगा। इसके लिए हम अब ये यूजर जब को रिटर्न करेगा तो एरर कैसे शो होंगे, एरर्स को शो कराने के लिए भी हम लोग बूटस्ट्रैप को यूज़ करेंगे। बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ कर लेते हैं, डिव क्लास, और ये हमें हमारे व्यू में कैसे एक्सेसिबल होंगे ये भी देखते हैं। अलर्ट, अलर्ट डेंजर, ताकि वेल फॉर्मेटेड नजर आए, इसलिए बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ किया। अच्छा, अब लारावेल के अंदर ये हमें कैसे एक्सेसिबल होंगे, लारावेल के अंदर हमें ये हमारे एक वेरिएबल के अंदर एक्सेसिबल होंगे, उस वेरिएबल का नाम है एरर्स। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि अगर तो एरर्स के अंदर है तो ही नज़र आए, अदरवाइज ये नज़र ना आए। इफ डॉलर एरर्स जो है उसके अंदर हैज एनी, उसके अंदर कोई भी एरर मौजूद है तो ही नज़र आए, अदरवाइज ये स्टेटमेंट ना चले, ठीक है। अब शो कैसे कराना है हमने, हम यहाँ पे लगा लेते हैं फॉर ईच लूप लगा लेते हैं, इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेते हैं, बल्कि मैं यहाँ पे इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट बाय लूँगा स्टाइलिंग के लिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेते हैं, यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट ख़त्म कर देते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा, हमारे पास ये अवेलेबल होगा, अरे अवेलेबल होगी इसकी फॉर ईच लूप की कलेक्शन होगी, एक से ज्यादा एरर हो सकते हैं क्योंकि हमने तीन वैलिडेशन लगाई हैं, चार टेन टोटल, एक तो ईमेल की चेक करेगा, तीन रिक्वायर्ड चेक करेगा, तो वो चारों इकट्ठी भी आ सकती हैं, एक 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 दो भी हो सकती हैं, तो ये मल्टीपल एरर्स होंगे इसके अंदर। अगर कोई एरर है तो हम इसको शो कराते हैं ऐसे फॉर ईच
डॉलर फॉर ईच एरर, फॉर ईच हम इसको कर लेते हैं एरर्स और एज एरर, इसको हम सिंगल एरर ले लेते हैं, हम इसको आइट्रेट करेंगे और एक एक एरर को शो कराएंगे फॉर ईच एंड फॉर ईच आएगा, ठीक है। ये हमारा फॉर ईच लूप खत्म हो गया, इसको हम एंड कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास आगे सारे एरर्स जो हैं फॉर ईच लूप उसको आइट्रेट करेंगे और हमारा जो एरर है उसको शो करवा दो। उसके लिए हम लारावेल का सिंटैक्स यूज करेंगे ये इको के लिए, और हम कहेंगे कि हमारा जो एरर है ई डबल आर आर एरर वो शो करा दो। तो जितने भी एरर्स आ रहे हैं उनके ऊपर फॉर ईच लूप लगाएंगे और एक एक एरर जो है वो शो करा दो इफ देयर इज एनी एरर, अदरवाइज डोंट शो दिस। तो ये हमारा एरर इस तरह से शो हो जाएगा। हम इसको चला के देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आता है। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास ये रेड बार जो है ये नज़र आ रही, इसका मतलब है ये एरर शो कराएगा। हमने CSRF टोकन इसमें नहीं लगाया, CRS टोकन लगा लेते हैं क्योंकि रिक्वेस्ट जो है वो वैलिडेट होती है। लारावेल के अंदर एक टोकन जनरेट हो जाता है जो हर जो यूजर जब सेशन उसका क्रिएट होता है फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट भेजता है तो वो टोकन जो है वो जनरेट होके हमारी रिस्पॉन्स में आता है। फिर वो टोकन जो है हमने हर रिक्वेस्ट के अंदर फॉरवर्ड करना होता है, उसको CSRF टोकन कहते हैं। तो इसको हम कर लेते हैं CSRF_field, ये हमने इसके अंदर पास करनी है फॉर्म के अंदर, ये हिडन वैल्यू होती है। इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं तो CSRF टोकन फील्ड, इसको हम CSRF फील्ड ओके, इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी इसको एंटर करते हैं। क्रिएट के मेथड में जाएंगे, अच्छा कंट्रोल F5 कर लिया, ये हमारा नहीं चल रहा, इसको चेक कर लेते हैं। डॉक इफ एरर, वापस आते हैं, अब हम सबमिट करते हैं। ये देखिए हमें अपने एरर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, उसने हमारी वैलिडेशन जो है वो काम करने शुरू कर दिया। उसने हमें बता रहा है कि टाइटल उसने इंटर नहीं किया मेरे पास। अगर मैं अब देखिए टाइटल इंटर कर देता हूँ और मैं दोबारा इसको सबमिट करता हूँ तो हमारी एक वैलिडेशन उसने ख़त्म कर दी कि हाँ जी टाइटल इंटर हो गया, आपका टाइटल इंटर किया था लेकिन आपने कॉन्टेंट और ये इंटर नहीं किया। तो अब हम इसको बाकी फील्ड भी इंटर कर लेते हैं, हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो हमारे पास अभी भी रेड बार नज़र आ रही है क्योंकि हमारे पास कोई एरर भी नहीं तब भी नज़र आ रही है, तो ये नज़र नहीं आनी चाहिए इसकी। हाँ, ये हमने जो अलर्ट की क्लास लगाई है डिव, ये भी इसके अंदर ले जाते हैं कि अगर तो एरर हो तभी ये रेड पट्टी नज़र आए, अदरवाइज ये चले ही ना कुछ भी, इसको अंदर ले जाते हैं। इसके हमारे पास कोई एरर नहीं था तब भी रेड बार शो हो रही थी, वो नहीं होनी चाहिए थी। देखें जब एरर आएगा तो ही वो रेड बार शो होगी। अच्छा, अब ये तो वैलिडेट कर लेगा, डाटा जो है हमारा वैलिडेट हो रहा है। अच्छा, जब डाटा वैलिडेट हो रहा है अब इसको हमने रिसीव करना है स्टोर के ब्लॉक के ऊपर, स्टोर के एक्शन पे। अब हम ये करेंगे कि अगर तो डाटा वैलिडेट हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज यूजर को एरर थ्रो करा देगा, वापस भेज देगा, आगे जाने ही नहीं देगा। जब हमें श्योर हो जाता है कि हमारा डाटा जो है वो वैलिडेट हो गया तो हम इसको रिसीव करते हैं, हम कहते हैं ब्लॉक क्रिएट कर दो, हमारा सारा डाटा जो है वो हमारे रिक्वेस्ट के अंदर मौजूद है। तो हम इसको भेज देते हैं कि एक नई रो क्रिएट कर दो DB के अंदर, रिक्वेस्ट के अंदर जो भी पैरामीटर आए हैं उनसे, ठीक है, रिक्वेस्ट ब्लॉक क्रिएट। अब इसको इंटर करते हैं इधर को हम, अगर तो ये सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा तो इसको हम वापस इसी पे रीडायरेक्ट करा देते हैं, इसी व्यू पे रीडायरेक्ट करा के इसे एक सक्सेस का मैसेज शो कर देंगे, रीडायरेक्ट बैक विद मैसेज, कौन सा मैसेज, सक्सेस मैसेज के साथ इसको वापस भेज दो, सॉरी सक्सेस मैसेज के साथ इसको वापस भेज दो।
और मैसेज में हम लिख देते हैं लॉग एडिड सक्सेसफुली, इसको फुल स्टॉप। ठीक है, मैंने क्या किया, हम लोगों ने वैलिडेट कर लिया डाटा। अगर तो वो वैलिडेट हो जाता है, सब सही उसने रिकॉर्ड इंटर किया है, तो हम ब्लॉक के अंदर क्रिएट कर देंगे एक रिकॉर्ड और उसको वापस रिटर्न कर देंगे रीडायरेक्ट बैक विद सक्सेस मैसेज। अच्छा, ये सक्सेस मैसेज जो है ये हमें कैसे एक्सेसिबल होगा, ये हमें सक्सेस के वेरिएबल के अंदर ही हमें रिसीव होगा। हमारे पास व्यू में ये अवेलेबल होगा, हम इसको फेच कर लेते हैं। सिमिलरली हम आते हैं यहाँ पे, अगर तो सक्सेस मैसेज है, इसको हम ऐसे चेक करेंगे सेशन के अंदर, अगर तो मैसेज है एनी लाइक वी हैव हैज, एनी नहीं आएगा इसमें। हम सेशन में चेक करते हैं कि हैज मैसेज सेट हुआ हुआ हैज मैसेज सक्सेस। अगर तो सक्सेस मैसेज सेट हुआ हुआ है तो ही ये चले, अदरवाइज ना उसको मैसेज शो करे। एंड इफ, तो इसको हम, इसको भी हम लोग क्लास में शो करा लेते हैं बूटस्ट्रैप की, ताकि हमें एक ग्रीन कलर का जैसा मैसेज नजर आए, अलर्ट अलर्ट सक्सेस क्लास है, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, इसका ताल्लुक नहीं है हमारे बैकेंड से। अच्छा, अब हम इधर आ जाते हैं। अगर तो सक्सेस मैसेज सेट हुआ हुआ है तो हम लोग उसको मैसेज सक्सेस जो है वो पॉपुलेट करवा देंगे। तो उसके लिए हम करेंगे कि सेशन के अंदर से जो गेट कर लो, कौन सा मैसेज गेट कर लो, मैसेज का नाम लिख देंगे यहाँ पे, मैसेज है हमारा सक्सेस। ठीक है, तो ये उसका जो उसको प्रिंट करवा देगा, ये इको की ही सिंटेक्स है। अगर तो हमारा सेट हुआ होगा तो ये उसको इको करवा देगा सक्सेस मैसेज को। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यूजर से इनपुट ली, उसको वैलिडेट कर लिया अपने कंट्रोलर के अंदर, उसके पास को डीबी में सेव की रिक्वेस्ट भेजी, और अगर तो वो सेव हो जाता है तो वापस हमने सक्सेस का मैसेज शो करा दिया। अगर वैलिडेशन में एरर आते हैं तो एरर के लिए भी हम लोगों ने कोड लिख लिया कि एरर उसको शो हो जाए। अब हम इसको चला के देखते हैं, तो इसके अंदर हमने राउट भी डिफाइन कर लिया है। एक चीज देखते हैं, अच्छा हमारे पास एरर आ रहा है, सिंटेक्स एरर है, कहाँ पे है, क्रिएट के अंदर, अनएक्सपेक्टेड दिस क्रिएट लेट, यहाँ पे हमने कहीं सिंटेक्स एरर डाल दिया है, यहाँ पे हमने इसको पैरेंथेसिस नहीं डाली थी, तब इसको हम रन करते हैं तो ये हमारे पास पेज आ गया। अब हम इसके अंदर टाइटल टाइप करते हैं, ठीक है, लिखते हैं लारावेल फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, और यहाँ पे हम टेस्ट कंटेंट लिख देते हैं, यहाँ पे मैं अपनी ईमेल डाल देता हूँ और इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंड, हमारे पास एरर आया है जी क्लास ब्लॉग नॉट फाउंड। अच्छा, हम लोगों ने इसके अंदर नेम स्पेस ऐड करनी होती है, अब इसको नहीं पता कि ब्लॉक क्या है, तो ब्लॉक जो है वो एक डिफरेंट नेम स्पेस में है, इसकी नेम स्पेस इस वक्त ये कंट्रोलर ऐप HTTP कंट्रोलर, लेकिन अगर आप ब्लॉक का जो है उसको व्यू करेंगे मॉडल को, तो उसकी जो नेम स्पेस है, नेम स्पेस बेसिकली ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, जिस इसके अंदर हमारा सारा का सारा कोड का एक ब्लॉक बन जाता है, तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड आ रहा है ये ऐप की नेम स्पेस में आ रहा है, तो हम इसकी नेम स्पेस ब्लॉक ऑफ कोड वहाँ पर ऐड कर लेते हैं, तो हमारा ये एरर जो है रिमूव हो जाएगा। हम इसको कहते हैं यूज़ कर लो, इसको हम यहाँ लिख देते हैं यूज़ ऐप नेम स्पेस, उसके अंदर ऐप नेम स्पेस के अंदर ब्लॉग है, उसको यूज़ कर लो। अब ये हमारा एरर रिमूव हो जाएगा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, तो टोकन का एरर आ रहा है। अच्छा, अब हम वापस आते हैं, हमने अपने कंट्रोलर के अंदर फिलेबल देने हैं, वो हमने मेंशन नहीं किए, सॉरी मॉडल के अंदर हमने अपने फिलेबल डिस्क्राइब करने हैं, फिलेबल मॉडल के अंदर हम मॉडल में जाएंगे,
लॉ के मॉडल में हम इसको बताएंगे कि हमारी कौन कौन सी जो फील्ड है वो फिल एबल हो सकती है। प्रोटेक्टेड का हम एक्सेस मॉडिफायर यूज करेंगे। प्रोटेक्टेड जो है ये पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड जो है ये तीन एक्सेस मॉडिफायर हैं क्लास के अंदर, बेसिकली यू के अंदर यूज होते हैं। प्रोटेक्टेड का मतलब है अगर कोई क्लासेस को इनहेरिट करती है तो उसके अंदर भी ये वेरिएबल एक्सेसिबल होगा। फिलेबल हम इसको बताएंगे कि कौन कौन सी हमारी जो फील्ड है वो फिल हो सकती है। अगर हम ये नहीं बताएंगे तो हमें एरर आता है, ठीक है। ये हमें इसे बताना पड़ेगा कि मेरी कौन कौन सी फील्ड फिलेबल है, कौन कौन सी फील्ड में मैं डाटा यूजर से इनपुट लेकर डेटाबेस में इंसर्ट कर सकता है, ठीक है। और उसमें हमारी सबसे पहले फील्ड है टाइटल है, उसके बाद हमारी फील्ड है कंटेंट है, थर्ड जो हमारी फील्ड है वो है ईमेल, ठीक है। ये मैंने इसको बता दिया कि मेरी ये तीनों फील्ड जो हैं ये यूजर से इनपुट लेके मैं डेटाबेस में इंसर्ट कर सकता हूँ, मतलब ये फील्ड मैं डेटाबेस में खुद से इंसर्ट करूँगा, ये मेरी फिलेबल है। तो ये आपने इसको बताना है, हर मॉडल के अंदर उसका फील्ड्स का बताना है, ठीक है। अब हम वापस आते हैं, अपने इसको रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग। हम दोबारा इसमें कुछ टाइप करते हैं, टाइटल टू कंटेंट टू, कुछ भी हम टेस्ट के तौर पे कंटेंट टू ईमेल जो है हम कुछ रख लेते हैं। ये मैं बस इसको सबमिट करता हूँ तो हमारा रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली डेटाबेस में इंसर्ट हो गया, और हमें मैसेज भी आ गया ब्लॉग एडिट सक्सेसफुली, ठीक है। और अगर मैं खाली इसको इंसर्ट करता हूँ तो हमें एरर अब शोर है, ठीक है। अगर तो यूज़र वैलिड डाटा इनपुट करेगा तो वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा, अगर वो वैलिड इनपुट नहीं करेगा तो उसको एरर मैसेज नज़र आएंगे। सक्सेसफुल होने पर हमें सक्सेस का मैसेज नज़र आएगा। अब हम जाते हैं यहाँ पर अपने डेटाबेस के अंदर, चेक करते हैं कि रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। उसके लिए हम लॉगिन कर लेते हैं, रूट के अंदर जाएंगे और हमारी वर्ल्ड की डीबी यूज़ हो रही है। वर्ल्ड के अंदर हमारा ब्लॉक का टेबल है, ब्लॉक के टेबल के अंदर हमारे पास देखें दो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। हमने रिसेंट ये भी रिकॉर्ड इंसर्ट किया, पहला ये रिकॉर्ड इंसर्ट किया था और दूसरा ये रिकॉर्ड इंसर्ट किया, ये दोनों डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो गए हैं। इसका मतलब हमारा डेटाबेस के अंदर डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। इस तरह से आप इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट है, अब यूज़र के पास जो है वो लिस्ट शो हो रही है, एडिट कर सके डिलीट कर सके, लेकिन एडिट कैसे कर सकेगा, उसको एक लिस्ट शो ही होगी तो एडिट कर सकेगा। उसके लिए हम एक लिस्टिंग का व्यू बना लेते हैं कि जहाँ हमें सारे रिकॉर्ड नज़र आ रहे हो। हमें एक नई व्यू क्रिएट कर लेता हूँ, उसका नाम रख लेता हूँ इंडेक्स डॉट ब्लेड blade डॉट php, ठीक है। तो इसके अंदर मैं अपनी सारी लिस्टिंग शो करा लूँगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम लोग फॉर ईच लूप लगाएंगे, हमारे पास रिकॉर्ड कहाँ से आएगा। सबसे पहले जब इंडेक्स को कॉल होगा, ब्लॉग कंट्रोलर कॉल होगा, यूजर आक लिखेगा ब्लॉग्स, तो हमारा जो राउट टेबल है वो उसको ले जाएगा ब्लॉक के कंट्रोलर में, और ब्लॉक के कंट्रोलर के अंदर कौन सा हमारा एक्शन कॉल होगा, इंडेक्स का एक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पे हम डेटाबेस से सारे के सारे जो हमारे पास आ रहे हैं ब्लॉग वो फेच कर लेते हैं। ऑल ब्लॉग फेच कर लो और इनको एक वेरिएबल में साइन करवा लेते हैं डॉलर ब्लॉग्स, ठीक है। इसको हम डेटा रिटर्न कर देते हैं व्यू को, हम इसको व्यू को रिटर्न करेंगे। कैसे करेंगे, रिटर्न व्यू, विच व्यू का बताएंगे उसको कि ब्लॉग के अंदर जो इंडेक्स का व्यू है उसको वो कॉल कर लो और उसको डेटा भी पास कर दो। हम कॉम्पैक्ट यूज़ कर लेते हैं। कॉम्पैक्ट जो है बेसिकली अरे क्रिएट करने के लिए होती है, इसके अंदर जो वेरिएबल आ रहे हैं ये लिखा भी, क्रिएट एन अरे कंटेनिंग वेरिएबल एंड अदर वैल्यूज, तो ये अरे बना देगी हमारे ब्लॉग का। ये जो हमने वेरिएबल लिया है इसको पास कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, इंडेक्स का जब एक्शन कॉल होगा डेटाबेस में से सारे ब्लॉग्स फेच करेगा और उसको ब्लॉग इंडेक्स के व्यू को पास कर देगा जो डेटा हमने वहां से फेच किया। ये जब यूजर आके ब्लॉग्स लिखेगा तो इंडेक्स का एक्शन मेथड कॉल होगा और डेटाबेस से सारे व्यू से पास कर देगा। अब हम अपने व्यू में आते हैं, यहाँ पे हम ये सारे के सारे व्यू जो हैं वो ब्लॉक के वेरिएबल के अंदर एक्सेसिबल होंगे। सबसे पहले तो हम बताते हैं कि ये जो व्यू है ये हमारा एक्सटेंड कर रहा है मास्टर व्यू को, चाइल्ड है उसका, और उसके बाद इसके अंदर हमने जो अपना डेटा शो कराना है वो हमने सेक्शन के अंदर शो कराना है। कौन सा सेक्शन है, वो कॉन्टेंट का सेक्शन है हमारे पेरेंट का जो हमें इंप्लीमेंट करना होगा। इसको स्टॉप करते हैं। अब इसके अंदर हम लोग अपनी लिस्टिंग शो करा लेते हैं, तो मैं कर लेता हूँ
dev class is equal to row, और मैं एक dev, ठीक है इसको हम टेबल बना लेते हैं, टेबल ज्यादा सही रहेगा। मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ और उसके अंदर अपने सारे कॉलम जो हैं वो पॉपुलेट करवाऊंगा। इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले टेबल हेडिंग आ जाएगी, पहली जो हमारी है, सॉरी सबसे पहले हमने इसमें शो कराना है हमारा टाइटल आ रहा है, और टाइटल के बाद हमारा डिस्क्रिप्शन है, तीन हम ले लेते हैं चार। सबसे पहले हमारा टाइटल आ जाएगा, उसके बाद हमारा कंटेंट आ जाएगा, कंटेंट क्योंकि हमारा लंबा हो रहा तो उसको हम ट्रिम भी कर सकते हैं। कंटेंट के बाद हमारा ईमेल आ जाएगा और यहाँ पे हम एक्शंस दे देंगे अपने, तब इंसर्ट अपडेट डिलीट का यहाँ बटन लगाएंगे। अभी हम नेक्स्ट रो बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम लोग सारी जो हमारे आ रहे हैं रिकॉर्ड्स उनके ऊपर फॉर ईच लूप लगा लेंगे ताकि हम उसको आइट्रेट कर लें, और मल्टीपल रिकॉर्ड हो सकते हैं एक से ज़्यादा, तो हम करेंगे जी फॉर ईच का हमारे ब्लॉग्स के अंदर आ रहे हैं, ब्लॉग एज सिंपल उसको एक ब्लॉग ले लेते हैं, एक एक ब्लॉग को आइट्रेट करने के लिए। एंड फॉर ईच, सॉरी एंड फॉर ईच। अच्छा अब हम लोग एक एक ब्लॉग जो है उसको शो करवाते हैं, फॉर ईच ब्लॉग सारे एक एक ब्लॉग को एडिट करेगा, मल्टीपल ब्लॉग्स हमें रिसीव होंगे, हमारे पास जितने भी ब्लॉग ऐड हुए हैं हम एक एक ब्लॉग की एक रो क्रिएट कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा उसका टाइटल आएगा, ठीक है सबसे पहले उसका टाइटल आ जाएगा, उसके बाद उसका हमारे पास आ जाएगा, इसको करते हैं जी हमारे पास डॉलर ब्लॉग टाइटल आ जाएगा, टाइटल के बाद हमारे पास कंटेंट आएगा, और कंटेंट के बाद हमारे पास ईमेल आएगा, ईमेल के बाद हमारे कुछ एक्शन मेथड होंगे, इसको हम कंटेंट कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं ईमेल, और यहाँ पे अब हम अपने कुछ एक्शन मेथड्स बनाते हैं, जैसे मुझे चाहिए कि यूज़र जो है वो एडिट कर सके, मैं यहाँ बटन बना लेता हूँ, यहाँ मैं लिंक लगा देता हूँ सबसे पहले href, और मैं यूज़र को कहता हूँ अगर आपने इसको एडिट करना है तो यहाँ क्लिक करें, ठीक है यहाँ पे यूज़र क्लिक करेगा। Class is equal to btn btn अच्छा अब यहाँ पे किस राउट पे जाएगा, हम राउट दे देते हैं कि एडिट करने के लिए वो अपडेट के राउट पे जाएगा, जब यूजर एडिट पे क्लिक करेगा तो हमने इसे कहाँ भेजना है, राउट कौन से राउट पे भेजो उसको, अब ब्लॉग डॉट अपडेट के राउट के ऊपर, और साथ इसको वैल्यू भी पास कर दो कौन सा हमने करना है, यहाँ से हम ले लेंगे डॉलर ब्लॉग आईडी, साथ उसको आईडी भी पास कर देंगे उसकी कि कौन सा ब्लॉग एडिट करने जा रहे हैं, कैसे अभी हम इसको कंट्रोलर में जाके फेच करेंगे कि हमने कैसे एडिट करना है, पहले हम इसका लेआउट क्रिएट कर लेते हैं। तो ये तो हमारा हो गया एडिट का, अब हम इसको चला के देखते हैं, ठीक है हमने कंट्रोलर भी डिफाइन कर लिया, जब कंट्रोलर आएगा वो ब्लॉग को पूरी लिस्ट देगा ब्लॉग्स की, और ब्लॉग्स का जो एक्शन सॉरी व्यू है वो इसको रिसीव करके सारी की सारी लिस्टिंग जो है उसको पॉपुलेट कर देगा। अब इसको चला के देखते हैं, हमारा जो क्राउड बनेगा सिंपल ब्लॉग्स है, सिंटेक्स एरर इंडेक्स डॉट प्लेट पे सिंटेक्स एरर एक्सपेक्टेड दिस एक्सपेक्टिंग दिस, अच्छा हमने कहीं पे
पेरेंथेसिस मिस कर दिया, राउट राउट स्पेस डाल लेते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर होती जाए। ये ठीक है, इसकी जरूरत नहीं थी। अच्छा नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे हम, ओके नेक्स्ट है यहाँ चेक कर लेते हैं। एक्सटेंड आ गया, मास्टर कर दिया हमने, सेक्शन आ गया फॉर ईच लूप, ओके ब्लॉक दिस 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 फॉर ईच लूप, हम इसको चला के देखते हैं। ये हमारा आ गया, इसने क्या किया, हमारे पास अभी दो ब्लॉग आ रहे थे, दोनों को लिस्ट में शो करा दिया। पहली जो है उसके अंदर टाइटल आ गए और दूसरी टाइटल आ गया, दूसरे कॉलम में हमारे पास कॉन्टेंट आ गया, तीसरे में ईमेल आ गया और साथ में एक्शन बटन आ गया। जब इस एक्शन बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें व्यू कॉल होना है, एडिट का व्यू, तो वो भी हम इसका राउट सही कर लेते हैं। अभी हमारे पास राउट बना नहीं है, वहाँ पे कुछ इसको चेक करते हैं। इसका फॉर्मेट भी आप सेट कर सकते हैं, क्लास टेबल, ये हमारे पास रिकॉर्ड आ गए, इसको हम कर देते हैं ब्लॉग लिस्ट, इसको नाम दे देते हैं, कोई हेडिंग दे देते हैं ताकि पता चले हम कर क्या रहे हैं। इस तरह से आप अपनी ऐप की स्टाइलिंग कर सकते हैं। ब्लॉग्स लिस्ट हम इसको करते हैं रीसेंट ब्लॉग्स, तो ये हमारे रीसेंट ब्लॉग्स आ गए, ब्लॉग दो दफा आ गया। अब हम इसको एडिट करेंगे कि हमने इसको एडिट कैसे करना है। एडिट करने के लिए हम एडिट के बटन पे क्लिक करें तो अगर, तो आप देखें इसका राउट क्या बनेगा, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है कि आपके राउट एप्लीकेशन में कितने राउट डिफाइन है, आप लिखेंगे PHP आर्टिशन राउट लिस्ट, तो ये आपको लिस्ट दे देगा। अब आपने अपडेट करना है, ठीक है। अब अपडेट करने के लिए आपका जो राउट कॉल हो रहा है एडिट, ये गेट के लिए कॉल हो रहा है, ओके। और आपका जो अपडेटेड डाटा पोस्ट करने के लिए वो अपडेट का कॉल हो रहा है, तो हमारा एडिट का जो राउट है वो कॉल होगा। इसका क्या URL बनेगा, हमारा ब्लॉग डॉट एडिट राउट बनेगा। ब्लॉग डॉट अपडेट जो है वो डेटा पोस्ट करने के लिए उधर है, लेकिन जब गेट की रिक्वेस्ट आ रही है, क्योंकि हमारी जब यूज़र इंटर कर रहे हैं यहाँ पे हमारे लिंक के ऊपर जो गेट की रिक्वेस्ट होती है, तो गेट की रिक्वेस्ट में एडिट का राउट बनेगा। हम यहाँ पे एडिट लिखेंगे, वापस आते हैं, ये हमारा एडिट का राउट है, इसको हम सेव कर लेते हैं। अभी हमने एडिट का राउट नहीं बनाया, एडिट का एक्शन मेथड के अंदर कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा और हमने उसका व्यू भी क्रिएट नहीं किया, तो अब इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। हम आते हैं अपने कंट्रोलर में, ब्लॉग कंट्रोलर में, और हमारा एडिट का जो एक्शन है ये कॉल हो रहा है। अब इसके अंदर हमें आईडी पास हो रही है, तो हम क्या करेंगे, ब्लॉग डेटाबेस में से हम कहेंगे फाइंड करके ले आओ डॉलर आईडी जो हमें पास हो रही है उसके अगेंस्ट कौन सा ब्लॉग पड़ा हुआ है, इसको हम ब्लॉग के वेरिएबल में सेव कर लेते हैं और हम वापस व्यू को पास कर देते हैं। रिटर्न व्यू, कौन सा व्यू रिटर्न करो, अब हम एक व्यू बना लेंगे, एडिट का व्यू बना लेंगे, इसका नाम रख देते हैं कौन सा व्यू, ब्लॉग के अंदर एडिट का व्यू ये हम क्रिएट करते हैं अभी, और इसको डेटा भी पास कर दो, कौन सा डेटा पास करो, इसको जो हमारे पास कॉम्पैक्ट कौन सा डेटा आया है अभी हमारे पास, हमने जो ब्लॉग गेट किया है वो पास कर दो। तो हम एक नया व्यू क्रिएट कर लेते हैं, जाते हैं अपने व्यू में जाएंगे, व्यू, चाहिए ब्लॉग है क्रिएट हो गया, अब इसको एडिट करते हैं।
edit dot plate dot php और हम लोग create वाला ही code copy कर लेते हैं, यहाँ पे paste कर देते हैं क्योंकि हमारे पास same field है जो show होनी है, इसी तरह से same validation perform होनी है, तो इस ये हम यही कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बस इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे ये भी मास्टर को एक्सटेंड करेगा, इसके अंदर भी कंटेंट होगा, ये एडिट ब्लॉग है, अब ये एड ब्लॉग नहीं है, इसके अंदर इसी तरह से मैसेज शो होगा सक्सेस का, एरर शो होंगे वैलिडेशन के, राउट हमारा चेंज हो जाएगा। अब हम नई वैल्यू स्टोर नहीं करा रहे हैं, हम लोग अपडेट करा रहे हैं, तो हम अपडेट का राउट कॉल करेंगे, पोस्ट मेथड होगा और यहाँ पे एक और चीज़ भी आएगी। अच्छा ये हो गया, बाकी हमारी फील्ड सेम है, हमारे नाम सेम है और इसी तरह से सबमिट होगा, लेकिन जो हमारा राउट है वो ब्लॉग डॉट अपडेट कॉल होगा। वापस आते हैं हम लोग, ये हमारा व्यू क्रिएट हो गया। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा, अच्छा और भी इसमें चीज़ चेंज है, वो ये है कि जब एक यूज़र इंटर करेगा, ये देखें जब मैंने इंटर किया तो एरर हो गया, मिसिंग रिक्वायर्ड पैरामीटर राउट, ओके ब्लॉग एडिट, इसको मेरे पैरामीटर से ही नहीं आ रहे, इंडेक्स राउट को चेंज करते हैं, इसको हम सिंपल ले लेते हैं। इस क्रिएटिंग प्रॉब्लम यू कैन यूज सिंपल राउट्स लाइक माइन केसेस इट इज लारावेल पब्लिक, सॉरी लारावेल हेलो, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं लारावेल हेलो पब्लिक, और आगे मेरा आ जाएगा ब्लॉग, आगे मेरे आ जाएगा ब्लॉग का आईडी, log id and the next I have to print the log id edit, okay। अब मैं अपना चेक करता हूँ मेरा यू आर एल क्या बन रहा है, क्या यू आर एल बन रहा है मेरा ब्लॉग एडिट वन, तो मेरा राउट जो है वो डिफाइन नहीं है, राउट चेक कर लेते हैं, ब्लॉग आई डी और एडिट की राउट बन रहा है, ये गेट की रिक्वेस्ट है। लारावेल हेलो, वापस आता हूँ मैं अपनी लारावेल हेलो, क्योंकि केस सेंसिटिव होता है तो इसकी वजह से हमारा जो यूआरएल है अपाची केस सेंसिटिव होता है, यूआरएल भी हमारा केस सेंसिटिव होता है, तो वो भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं चेक करता हूँ अपना राउट लारावेल हेलो पब्लिक, और ब्लॉग के अंदर जाओ और कौन सा ब्लॉग आई डी वन आई डी जो है उसको मैंने एडिट करना है, उसको गेट कर लो, ठीक है। अब ये राउट मिसिंग आ रहा है, मिसिंग पैरामीटर फॉर द राउट ब्लॉग एडिट डॉट, अच्छा ये एडिट के अंदर जा रहा है, अभी हम एडिट जो है उसको चेक कर लेते हैं, एडिट हमने कम्प्लीट नहीं किया, एडिट को हम चेक कर लेते हैं। अच्छा एडिट के अंदर ये होगा कि जब यूजर एडिट पे क्लिक करेगा तो हमारे पास कंट्रोलर जो है उसके अंदर आएगा, कंट्रोलर से ये आई डी के थ्रू ही उसको फैच करेगा ब्लॉग को, जो भी आई डी से मैच करी होगी, मतलब इस आई डी वाला इस आईडी के साथ जो ब्लॉग डेटाबेस में पड़ा उसको फेच करो और रिटर्न कर दो उसको वापस हमारे व्यू को, तो ये उसने पास कर दिया व्यू को। अब हमारे पास जो हमारा रिकॉर्ड है वो ब्लॉग के वेरिएबल में पड़ा हुआ है, ब्लॉग यहाँ पे सेशन के अंदर सक्सेस मैसेज भी सेट नहीं हुआ, एरर भी सेट नहीं हुए, लेकिन हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास किस में आ रही हैं, ब्लॉग के वेरिएबल में, तो हमारी जो कंटेंट की वैल्यू जैसे टाइटल की वैल्यू है वो हमारे पास पड़ी होगी ब्लॉग के वेरिएबल में, ब्लॉग टाइटल, ये हमारा ब्लॉग का टाइटल आ गया। इसी तरह से हमारे पास जो वैल्यू है वो टेक्स्ट की, टेक्स्ट एरिया की जो कंटेंट की वैल्यू है वो हमारे पास पड़ी होगी कंटेंट के अंदर, ब्लॉग कंटेंट के अंदर, जैसे हम इसको फेच कर लेंगे और पॉपुलेट एडिट कर रहा है, तो एडिट करने का मतलब ये है कि जो पहले वैल्यूज पड़ी हैं वो हमने इसको शो करा देनी है डेटाबेस में, ऑलरेडी जो सेव है वो शो करा देनी है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी सॉरी इसको पेस्ट कर देते हैं यहीं पे, इसकी वैल्यू हमारे पास ईमेल आएगी, ठीक है, तो ये ईमेल डिफाइन कर लिया। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं,
हमारे पास एरर आ रहा है अनएक्सपेक्टेड दिस. ओके ठीक है, इसके अंदर हमने ये मिस कर दिया है. पैरेंथेसिस अब देखते हैं, मिसिंग पैरामीटर. अच्छा अब हम कंट्रोलर में आते हैं अपने. बेसिकली वो क्या रहा है कि हम अपने मेरा जो कंट्रोलर कॉल हो रहा है वो राउट ब्लॉक के अंदर अपडेट का कंट्रोलर कॉल हो रहा है, और ब्लॉक के अंदर जो अपडेट का कंट्रोलर है इट इज एक्सेप्टिंग टू आर्ग्यूमेंट्स, वन इज रिक्वेस्ट एंड सेकंड एन आईडी. वी आर मिसिंग द आईडी ओवर हियर. हम एक आर्ग्यूमेंट तो पास कर रहे हैं जो कि हमारा ये डेटा है, रिक्वेस्ट है सारी. दूसरा हमने इसको यहाँ पे आईडी भी पास करना है, तो उसके लिए हमारा ब्लॉक के रिक्वेस्ट में हमारे पास हमारा रिकॉर्ड आ रहा है, उसको आईडी भी पास कर देते हैं. हम आईडी पास करते हैं, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारे पास. अब देखें हुआ क्या, जब यूजर जो है आया उसने क्लिक किया कि एडिट रिकॉर्ड वन, तो उसको रिकॉर्ड वन जो जो उसकी फील्ड के अंदर मौजूद था, सेव था डेटाबेस के अंदर, उसने डेटाबेस से फेच किया और उसे वैल्यू पॉपुलेट करके दे दी कि इसको अपडेट कर लो. तो ये उसको पुरानी वैल्यूज नज़र आ रही हैं. हम यहाँ पे अपडेट करके उसको कुछ भी मैं लिख देता हूँ अपडेटेड, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ अपडेटेड ताकि मैं पता चले हमारी वैल्यू अपडेट हुई है. यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ अपडेटेड. मैं इसको सबमिट करता हूँ तो हमारे पास राउट कह रहा है. राउट कह रहे इसलिए आया कि हम लोगों ने, अगर आप हमारे राउट्स में आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा अपडेट का राउट है उसकी जो मेथड टाइप है वो पुट या पैच होनी चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ आएंगे अपने यहाँ डिफाइन कर देंगे इसकी वैल्यू. इसकी हम करेंगे मेथड METHOD _ फील्ड, जो उसकी वैल्यू है वो आप डाल दो पुट या पैच, वट एवर, ये दोनों में से एक हो सकती है, इधर लिखा हुआ है. तो ताकि ये डेटा जो है इसको ये राउट मिल जाएगा फील्ड पुट. ओके हो गया. अब हम इसको चलाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हम इसको कंटिन्यू करते हैं, यही डेटा दोबारा पोस्ट हो जाएगा. अभी भी वापस आते हैं यहाँ पे, हम लोग इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, अपना राउट देखते हैं, हम लोग इंस्पेक्ट कर लेते हैं इसको. सॉरी, हम सबमिट करते हैं चेक करने के लिए. हमने अपडेट के बारे में भी कुछ लिखा नहीं है, हमारा पोस्ट तो हो गया डेटा, लेकिन क्योंकि हमने कंट्रोलर के अंदर कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं किया इसलिए हमें ब्लैंक स्क्रीन नज़र आई. अब वो कॉल हो गया लेकिन अभी हमने इधर इम्प्लीमेंट कुछ नहीं किया. तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, जब अपडेट करेगा तो अपडेट के अंदर हमें रिक्वेस्ट आ रही होगी सारी सेम वे में. अब हमें चेक करना है कि क्या यूज़र ने जो इंटर किया उसने ब्लैंक तो नहीं कर दी अपनी फील्ड, सारी चीज़ें वैलिडेट करनी है. हो सकता है वो ब्लैंक करके अपडेट कर दे, सबमिट का बटन दबा दे, तो हमें ये वैलिडेट करना है कि वो ब्लैंक इनपुट ना कर सके. तब ये ब्लैंक इनपुट जा रही है पीछे बैकएंड की तरफ. तो यहाँ पे उसी तरह से हम करेंगे, सबसे पहले तो हम रिक्वेस्ट को वैलिडेट कर लेंगे. रिक्वेस्ट वैलिडेट का आप एक भी फंक्शन बना सकते हैं, आप अपने फंक्शन को जेनेरिक कर सकते हैं. हम एक ही स्क्रीन को यूज़ करते हुए इंसर्ट और अपडेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम लर्न कर रहे हैं तो इसलिए मैंने अलग अलग बनाया कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश नहीं बल्कि चीज़ों को आसान करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. अच्छा ये करेगा, हमारी रिक्वेस्ट को वैलिडेट कर लेगा. अब हम करते हैं कि जो हमारा टाइटल है वो रिक्वायर्ड है, और इसके अलावा हमारे पास है कंटेंट, वो भी चेक कर लो कि वो भी यूज़र ने इनपुट किया कि नहीं किया, ब्लैंक तो नहीं छोड़ दिया, वो भी हमें रिक्वायर्ड है. और जो थर्ड हमारे पास है ईमेल है, यूज़र ने क्या वैलिड ईमेल डाला है और यूज़र ने ईमेल डाला भी है कि नहीं, वो भी हमें रिक्वायर्ड है. क्या और क्या वो ईमेल एक वैलिड ईमेल है, ये भी चेक करेगा. तो ये वैलिडेट हो जाएगा सेम वे में जैसे हमने पहले इम्प्लीमेंट किया था. इसको अगर तो एरर आएगा तो ये एरर जो है हमारे पास यहाँ पे एरर्स के वेरिएबल में मौजूद होगा और एरर से शो करा देगा. फॉर एग्जांपल अभी मैंने इसको रिफ्रेश करता हूँ, कंट्रोल F5 किया, अब मैंने इसको रिमूव कर दिया अपने, इसको चेक करके देखते हैं. तो हमारा ये वैलिडेशन जो है ये थ्रो कर रहा है वैलिडेट, इस तरह से हमारा डाटा वैलिडेट हो रहा है. अब हम डेटा हमारा वैलिडेट हो रहा है, इसको हम कंट्रोलर इंप्लीमेंट करते हैं. कंट्रोलर में वैलिडेशन के बाद हम इसको फेच करेंगे डेटाबेस से,
लॉग डेटाबेस के अंदर फाइंड करो जो आईडी हमें आ रही है उसके अगेंस्ट हमारे पास जो रिकॉर्ड पड़ा है वो डेटाबेस से ले आओ। ठीक है, इसको हम सेव करा लेते हैं एक वेरिएबल के अंदर डॉलर ब्लॉक के अंदर। और हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं कि डॉलर ब्लॉक के अंदर जो यूज़र हमें पास कर रहा है, डॉलर ब्लॉक के अंदर जो हमारा टाइटल है उसको अपडेट कर दो जो यूज़र ने अभी नया टाइटल इनपुट किया है उसके साथ इसको अपडेट कर दो। इसी तरह से डॉलर ब्लॉक के अंदर जो हमारा पुराना कंटेंट है उसको भी अपडेट कर दो, इसके साथ जो भी यूज़र ने नया रिक्वेस्ट के अंदर कंटेंट लिखा है उसके साथ अपडेट कर दो। इसके बाद हम उसे कहेंगे कि जो हमारा डेटाबेस के अंदर ईमेल था उसको भी अपडेट कर दो, इसके साथ जो भी यूज़र ने नया ईमेल इनपुट किया है, नई इनपुट आई है हमारे पास उसके साथ रिप्लेस कर दो। अब हम इसको कहेंगे कि डेटाबेस के अंदर इसको सेव कर दो, ठीक है, इसको अपडेट कर देगा। और जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम मैसेज रिटर्न करवाएंगे इसको, रिटर्न रीडायरेक्ट कर देंगे इसको सेम पे विद मैसेज रिडायरेक्ट बैक, इसको हम विद मैसेज कर देंगे विद सक्सेस सेम वे में के रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ब्लॉग अपडेटेड, सॉरी, अपडेटेड सक्सेसफुली। आप कोई भी मैसेज यहाँ पास कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, वापस इसी हमारे एडिट के व्यू में आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ सक्सेस का चेक करेगा हमारे पास, अगर तो आ रहा है मैसेज तो उसे सक्सेस के मैसेज में शो करवा देगा। अब हम जैसे हमने पहले इंप्लीमेंट किया था सेम वे, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। हमारे पास एरर आ रहा है, कहाँ एरर आ रहा है, ब्लॉक कंट्रोलर में हमने गलत सिंटैक्स लिख दिया, कहीं सिंटैक्स एरर आ रहा है। तो वापस आते हैं ब्लॉक कंट्रोलर में, अपने ब्लॉक कंट्रोलर में मैंने ये गलत सिंटैक्स लिख दिया है, एंड पे आना था वो, बाकी ठीक है। ठीक है, अब हम इसको दोबारा रन करते हैं, ये एडिट में आ गया। हमने क्या किया, सबसे पहले तो इंडेक्स बनाया था, अपनी सारी लिस्टिंग बनाई थी। तो जब हम अपनी एप्लीकेशन में आएंगे हमें सारे के सारे ब्लॉग इस तरह से नज़र आ गए। हमने कोई भी ब्लॉग एडिट करना है हम जस्ट उसके ऊपर एडिट करेंगे और इसके ऊपर यहाँ लिखेंगे अपडेटेड, अपडेटेड वट एवर इफ यू वॉन्ट टू चेंज इट और यू डोंट वॉन्ट टू चेंज इट वट एवर। तो इस तरह से इसका भी चेंज कर सकते हैं। इसको मैं सबमिट करता हूँ तो हमें मैसेज आ गया ब्लॉग अपडेटेड सक्सेसफुली। इस तरह से आप अपना अपडेट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको व्यू करूँगा, मैं वापस आता हूँ अपनी लिस्टिंग में और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए अपडेटेड रिकॉर्ड शो करा रहा है, मेरा रिकॉर्ड डेटाबेस में भी अपडेट हो चुका है। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि डेटाबेस में मेरा रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है, ये डेटाबेस से फेच करके ला। इसको एडिट करेंगे, अब आपको पुराना रिकॉर्ड नज़र नहीं आएगा, अपडेटेड रिकॉर्ड नज़र आ रहा है। इस तरह से हम अपनी अपडेट में कर सकते हैं, लिस्टिंग करवा ली। अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने अपने रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करना है, डिलीट इंप्लीमेंट करेंगे। अब हम डिलीट करने के लिए सबसे पहले हम अपने इसी व्यू के अंदर यहाँ पे एक डिलीट का बटन क्रिएट करते हैं ताकि यूजर्स पे क्लिक करके अपना ब्लॉग जो है वो डिलीट कर सके। तो हम आ जाते हैं अपने इंडेक्स के व्यू में। जैसे हमने एक बटन बनाया है एडिट का, इसी तरह से हम एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। इस बटन पे क्लिक करने से यूज़र जो है वो अपना डाटा जो है वो डिलीट कर सकेगा। यहाँ पे मैं एक बटन बना लेता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास अगर हम अपने राउट्स में आए तो हमें पता चलेगा कि डिलीट कौन सा राउट है। अगर हम डिलीट का राउट देखें वो डिस्ट्रॉय है, डिस्ट्रॉय जो है वो यूज़ करेंगे हम ब्लॉग, उसकी आई डी पास करेंगे और राउट में ब्लॉग डॉट डिस्ट्रॉय जाएगा। अब यहाँ पे इसकी जो रिक्वेस्ट है वो डिलीट रिक्वेस्ट है, जो अगर हम उसको लिंक लेके यूज़ करेंगे, इसी तरह से एंकर टैग लेके यूज़ करेंगे तो वो तो गेट की रिक्वेस्ट होती है। तो हमें यहाँ से एक छोटा सा फॉर्म बना देते हैं, फॉर्म के अंदर हम इसको जो मेथड है इसका पास कर देंगे डिलीट। ठीक है, अब इस फॉर्म के अंदर मैं बना लेता हूँ एक बटन, जिस बटन को मैं नाम दूंगा सबमिट का बटन बना लेते हैं। इसका टाइप हम रख देते हैं सबमिट, टाइप इज इक्वल टू सबमिट।
सबमिट, और इसकी जो वैल्यू है वो हम कर देते हैं, जो टेक्स्ट नजर आएगा हमें डिलीट, DELETE, डिलीट। अच्छा अब इसके अंदर हम आते हैं यहाँ पे, जब ये इसका मेथड जो है वो होगा पोस्ट, डेटा डिलीट होना है, और इसके अलावा इसका जो राउट है एक्शन जो है एक्शन मेथड, इस पे इसने अब जाना है क्लिक ऑन सबमिट करने के बाद इसने कहा किस यूआरएल पे डेटा पोस्ट करना है, वो राउट हम डिफाइन करते हैं। राउट जो है हमारा RUTE राउट, राउट जो है हमारा बनेगा यहाँ पे सूरत में हमारा बन रहा है ब्लॉग डॉट डिस्ट्रॉय। यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं, अगर हमें नहीं समझ आ रही वी कैन चेक इट आउट, वी कैन वेरीफाई आउट ओवर है ब्लॉग डॉट डिस्ट्रॉय डिलीट के लिए। तो उसकी जो आगे उसके अंदर पैरामीटर भी पास होगा, वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। अगर हम देखें कि हमारा जो कंट्रोलर के अंदर डिस्ट्रॉय का मेथड है इट्स जस्ट टेकिंग आईडी, तो वी हैव टू पास द आईडी ओवर हियर। हम लोग अपने इंडेक्स में आएंगे, हमें एज ए पैरामीटर आईडी पास करनी पड़ेगी वरना एरर शो करेगा ये। तो हमारे पास यहाँ पे जो रिकॉर्ड आ रहा है वो ब्लॉक के वेरिएबल में आ रहा है, वहाँ से हम इसकी आईडी भी पास कर देते हैं एज ए पैरामीटर। तो हमने अपना राउट क्रिएट कर लिया। दूसरे जब अपना फॉर्म क्रिएट कर रहे होते हैं हमें पता है कि हमने उसके अंदर अपनी क्रॉस साइड जो रिक्वेस्ट आ रही होती है उसको ब्लॉक करने के लिए हमें यहाँ पे CSRF टोकन जो है वो डालना होगा फील्ड, क्योंकि हम अपना फॉर्म डिक्लेयर कर रहे हैं। दूसरा हम हमारा जो मेथड है वो पोस्ट की सूरत में डिलीट होगा, तो उसके लिए भी हम अपनी की डिफाइन कर देते हैं कि जो हमारा मेथड है मेथड फील्ड हमारी जो है वो डिलीट है, ताकि हमारा राउट जो है वो कॉल हो सके। ये राउट के अंदर हमें पता चल रहा है हमारी मेथड की क्या है, डिलीट है, मेथड हमारा डिलीट है। तो अगर डिलीट होगा डेटा पोस्ट होगा इस यूआरएल पे ब्लॉक डिस्ट्रॉय के राउट पे आएगा और डिलीट मेथड के साथ आएगा, तो हमारा डिस्ट्रॉय वाला ब्लॉक का एक्शन मेथड कॉल होगा। हम तो वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा हमने क्या किया, हम लोगों ने अपना व्यू क्रिएट कर लिया, यूजर सबमिट करेगा तो वो इस राउट के ऊपर डिलीट की रिक्वेस्ट भेजेगा और उसकी आईडी पास कर देगा। अब हम इसको चला के देखते हैं क्या हमारे पास यूआई में डिलीट का बटन नज़र आया है, नहीं आया। इस कह रहे जी इंडेक्स में क्या मसला है, ब्लॉग और डिस्ट्रॉय नॉट डिफाइंड। ओके DSTROY डिस्ट्रॉय हमारे पास डिफाइन नहीं है क्या, वी हैव टू चेक दैट। इसको हम चेक कर लेते हैं ब्लॉग डॉट, ठीक है। हम वापस आते हैं अपने कंट्रोलर में, यहाँ चेक करते हैं, चेक हमारी स्पेलिंग का इशू है DSTROY डिस्ट्रॉय, अच्छा इसलिए वो राउट डिफाइंड एंड डिफाइंड आ रहा था। तो ये हमने अपना राउट बन लिया, हमारा बटन नज़र आ रहा है लेकिन बटन हमारा सी फॉर्मेट में नज़र नहीं आ रहा। इसको हम सेट कर लेते हैं, इसको हम क्लास दे देते हैं, बूटस्ट्रैप की क्लास लगा देते हैं ताकि बटन सही फॉर्मेट नज़र आए। BTN BTN DANGR, और इसको हम क्लास को एक और दे देते हैं कि सी व्हाट हैपेंड, पहले देखते हैं, सॉरी आते हैं। हाँ हम लोग इसको इनपुट कर देते हैं, मैंने उस तरह से इसको बनाया था, इनपुट टाइप सबमिट, बटन भी ले सकते हैं। नाउ लेट्स चेक, ये हमारे पास डिलीट का बटन भी बन गया। अब जब यूजर डिलीट पे क्लिक करेगा तो हमारा राउट कॉल होगा डिलीट का, अभी ब्लैंक पेज आया है क्योंकि डिस्ट्रॉय का एक्शन मेथड कॉल हुआ, डिस्ट्रॉय के एक्शन मेथड में हमने कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखी, तो इसलिए ब्लैंक पेज उसने शो करा दिया, लेकिन हमारा ये कॉल हो रहा है। इसके आप ओवर करते हैं तो आप देख सकते हैं ये बटन है, इसके अंदर हमने मेथड की भी डिफाइन कर दिया, ये हमारी CSRF की आ रही है और इसके अंदर जो हमारा हिडन टोकन है वो भी जा रहा है, ठीक है। तो अब हम इसका डिस्ट्रॉय का मेथड कर लेते हैं, इंप्लीमेंट क्या करेंगे, हमारे पास जो आईडी आ रही है हम उसको फेच करेंगे, मतलब आईडी से हम ब्लॉग में जाएं डेटाबेस के अंदर देखेंगे कि क्या इस आईडी के अगेंस्ट को ब्लॉग पड़ा हुआ है,
कहते हैं फाइंड करके ले आओ। क्या फाइंड करके ले आओ? हमारे पास आईडी के अगेंस्ट कौन सा रिकॉर्ड पड़ा है वो फाइंड करके ले आओ। इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं, डॉलर ब्लॉक के वेरिएबल में ले लेते हैं, और अगर तो फाइंड हो जाता है हम इसको कहते हैं डॉलर ब्लॉक को डिलीट कर दो, DLET डिलीट कर दो, ठीक है, और मैसेज रिटर्न कर दो, रिटर्न रीडायरेक्ट, ओके, रीडायरेक्ट टू द सेम बैक, और किसके साथ रीड कर दो, मैसेज के साथ विद मैसेज के सक्सेस, और उस सक्सेस मैसेज में हम लिख देते हैं ब्लॉक डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो इस तरह से अब हम इंडेक्स के ऊपर उस मैसेज को गेट करने के लिए सेम इमेज जैसे हमने क्रिएट पे बनाया, हम लोगों ने एडिट पे मैसेज सक्सेस के फेच किए, इसी को कॉपी कर लेते हैं। सक्सेस के अंदर हमारे पास वो मैसेज अवेलेबल होगा, इसको हम यहाँ शो करवा लेते हैं इसके नीचे यहाँ पे, अगर तो वो मैसेज आ रहा है तो शो होगा, अदरवाइज वो शो नहीं होगा। इसको एंटर करते हैं। अब अगर मैं अपना ये रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ, ठीक है, तो ये रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज मुझे पॉपुलेट हो गया। इस तरह से आप मल्टीपल रिकॉर्ड जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो क्रेड ऑपरेशन जो मेन है, यही आपकी मेनली जितनी भी आप काम करेंगे, ये चार बेसिक फंक्शन है जिनको यूज करते हुए आपकी सारी की सारी जो एप्लीकेशन है वो क्रिएट होगी। तो इनका आज हमने ओवरव्यू लिया कैसे हम लोगों ने इंसर्ट अपडेट और डिलीट करना है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, इसको आप यूज़ करते हुए आप एक छोटी सी ऐप क्रिएट कर सकते हैं क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, उससे आपको काफ़ी इसके फ्लो का आइडिया हो जाएगा। थैंक यू सो मच।